आज हम बात करेंगे आपके साथ एडवांस एक्सेल कोर्स की। जैसे कि आपने चूज किया और मुझे डेमो का मौका दिया, सबसे पहले हम कोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे एडवांस पे। ओके, तो मेरे पास बेसिकली दो कोर्स है एडवांस एक्सेल से रिलेटेड। पहला है एडवांस एक्सेल डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड, और दूसरा है हमारे पास डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन विद एडवांस एक्सेल। पहले वाली कोर्स जो है ये 2022 से हम को इसमें डिजाइन किए थे, तब से इसमें अपडेट करते आ रहे हैं, और ये जो है हमने 2024 में जून में इसको हमने डिजाइन किया है। ओके, अब ये दोनों कोर्स करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। एडवांस एक्सेल आखिर होता क्या है? क्या वो एक्सेल का कोई अलग वर्जन है या किसी एक्सेल की अलग फीचर्स है? ओके, ये दो चीज समझना जरूरी है कि अलग वर्जन है या अलग फीचर है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी किसी भी आर्टिकल या कहीं भी इस तरह का चीज मेंशन नहीं किया है कि एक्सेल की ए फीचर जो है एडवांस है, ए फीचर जो है बेसिक है। ठीक है, बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारी यूजर्स के ऊपर, हम जो यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? यस सर। अब जैसे एग्जाम्पल में यहां पे दो चीज बताना चाहूंगा, यहां पे 20 लिखा है, यहां पे 30, राइट? अगर मैं 30 को कॉपी किया और इस पे पेस्ट किया, अभी दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्या है एडवांस एक्सेल क्या है। तो हमने यहां पे कॉपी किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने यहां पे सेलेक्ट किया ऑपरेशंस में एडिशन। तो नॉर्मली कॉपी पेस्ट तो आप करते ही हैं क्या? नॉर्मली कॉपी पेस्ट तो हम करते ही हैं। तो कॉपी पेस्ट के अलावा, कॉपी जो पेस्ट करते हैं उसके अलावा इसके अंदर एक ऑप्शन होते हैं, देख सकते हैं ऐड। तो अब ओके करूंगा तो क्या होगा, 20 और 30 के बीच में ऑपरेशंस होगा एडिशन, और यहां पे तो सेव हो जाएगा, हो गया सेव। सर ओके, एक बार और दिखाता हूं, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल करते समय इस बार मैंने मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड ओके। जी हाँ, 50 को 20 से मल्टीप्लाई हो गया और रिजल्ट 1000 हो गया। अब इस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? इस एग्जाम्पल से आपने सीखा कि यहां पे जो ये दिख रहा है आपको यहां पे, कि इन जो हम राइट क्लिक करते समय जो पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट स्पेशल में अगर मैं किसी तरह का ये देता हूं, ऑपरेशन सिलेक्ट करता हूं, तो जहां से कॉपी होगा, जहां पे पेस्ट होगा, उसके बीच में क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। समझे सर? यस सर। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि इसका बेनिफिट क्या है,
इसका बेनिफिट क्या है? समझे? हाँ, इसका बेनिफिट क्या है? तो ये जो चीजें हैं आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर समझा देगा, ये जो चीजें आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर समझा देगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जैसे ही हम लोग अपने स्कूल की क्लासेस में रटते थे ना, तो क्या इसी तरह से यहां भी रटना होगा? तो यहां पे ये चीज हमें जानना जरूरी है। इसका बेनिफिट क्या है? ठीक है, तो चलिए एक यहां पे इसके लिए हमें एक प्रॉब्लम दे। हम तो जब भी एग्जांपल देंगे सर आपको, एक प्रॉब्लम बेस एग्जांपल दें। तो एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि एक्सेल में जब भी हम परसेंट लिखते हैं, 20 और परसेंट का सिंबल दिया, 20% आ गया। अगर मैंने 20 को टाइप कर दिया और बाद में सेलेक्ट करके परसेंट किया तो क्या आएगा? 2000% क्या आएगा? 2000%, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्सेल में 1 = होता है 100%। मुझे बाद में जो परसेंट का सिंबल डालना है तो 0.20 डेसिमल में लिखेंगे तब परसेंट डालेंगे, तब यहां पे दिखेगा, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है कि हमारे एक कलिग थे जो मुझे ये भेजते थे, डेटा भेजते थे। अब उनका साथ में प्रॉब्लम ये था कि वो यहां पे इस तरह से दे देते थे परसेंटेज का सैंपल और मुझे डेटा भेजते थे। अब यहां पे रैन बिटवीन का फॉर्मल लगा रहा हूं रैंडम डेटा के लिए, ठीक है सर। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए 87%, बट मेरे लिए 87 नंबर। अगर मैं 500 का 87% निकालूं तो अगर परसेंट फॉर्मेट में तो बी जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, समझे कि नहीं? Yes. लेकिन अगर 87 नंबर में है तो मल्टीप्लाई करने से आएगा सर? नहीं आएगा। Nice. मुझे फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब यही मैं नहीं करना चाहता। क्या बोले सर? ये सब कन्वर्ट करने के लिए बट 100 करेंगे। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि यहां ना कर लेंगे अब, बट इस डेटा को करना है ना मुझे। अब इस डेटा को मुझे कॉपी करके अपने रिपोर्ट में रखना है और जहां मेरा रिपोर्ट है वहां और भी बहुत सारे लोगों का डेटा आता है। अब मैंने फॉर्मूला चेंज किया तो फिर बाकी लोग मुझे परसेंटेज में भेजते हैं तो बार बार फॉर्मूला मैनुअल हो जाएगा, फिर ऑटोमेशन तो रहेगा नहीं। क्या सर, रहेगा ऑटोमेशन? तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में हम कई मेथड है, जैसे कि पहला है कि अगर आप जो लोग नहीं एक्सेल जानते हो क्या करते, F2 प्रेस करते हैं, परसेंटेज डबल क्लिक किया, परसेंटेज इस तरह से लगाते चले जाते हैं, राइट। लेकिन डेटा थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, लेकिन डेटा अगर 1000 2000 10000 हुआ तो
तो मुश्किल है ना, टाइम वेस्ट लगेगा सर। ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम ये जो मेथड हमारा है उसको अप्लाई, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 8721 इस तरह से, और फिर सिलेक्ट करके परसेंटेज लगा दें। पर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? तो यहां पे इस मेथड सीट वन वाले मेथड जो एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल का इस्तेमाल करें। मैं एक किसी सेल पे 100 को लिखेंगे, 100 को कॉपी करेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें डिवाइड का ऑप्शन आया, देखा डिवाइड कर दिया, सारे 100 से डिवाइड होकर परसेंटेज में आ गए। अब यहां से परसेंट का सिंबल लगा, तो अब आप समझिए, आप खुद इमेजिन कीजिए कि सीट वन पे सेम चीज मैंने बताया, सेम बताया ना सर, बट इसको सीखने से आपको कोई बेनिफिट नहीं बुझाया, कोई बेनिफिट बुझाया सर? लेकिन जब इसको मैंने एक प्रॉब्लम बेस पे बताया तो आपको क्या पता चला सर? जी हाँ, तो बेसिकली एडवांस जो है वो हमारे और आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है, समझे? अब क्वेश्चन, अब आते हैं कोर्स की तरफ। तो हमारी सारी क्लासेस इसी तरह से दी जाएगी। कोर्स में सबसे पहला कोर्स के देखते हैं, तो पहले कोर्स में क्या क्या है? सबसे पहले इसमें जो है हमारा ड्यूरेशन जो है वो आपका तकरीबन 2 से 2.5 महीने का रहेगा, ठीक है इसका। और इसमें हम सबसे पहले एक्सेल के सारे फीचर्स कवर करेंगे, हम पिवट टेबल कवर करेंगे, एडवांस और बेसिक दोनों, और इसमें हम पिवट टेबल के ऊपर डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अब बोले सर डैशबोर्ड क्या होता है? तो हम आपको यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड के एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है डैशबोर्ड, 23 डे में आपको पढ़ाया जाए, ऐसे बहुत सारे डैशबोर्ड्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, दिखा डैशबोर्ड, ये डेटा है और ये डेटा के साथ लाइव कनेक्टेड है और ये डायनेमिक है। जैसे मैंने कंज्यूमर पे क्लिक किया तो पूरी रिपोर्ट कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाएगी जस्ट सिंगल क्लिक पे। सेम यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे अगर मान लीजिए बुक केस का देखना है, जस्ट क्लिक द बुक केस, पूरी रिपोर्ट बुक केस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट, समझ गए? ऊपर का टोटल सेल्स ये चेंज नहीं हुआ है? जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे बुक केस किया, चेंज हो गया ना यहाँ पे 163। ये लिंक है, ये डेटा है, इस डेटा को इस तरह से किया गया, मैंने डेटा को एनालाइज किया, समराइज किया एंड विजुलाइज किया, ठीक है। टोटल पिवट टेबल किसको बना हुआ है? जी हाँ पिवट टेबल के साथ मिला हुआ है, पिवट टेबल से बना हुआ। एक तरीका होता है जिससे हम पिवट को डायनेमिक रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे नीचे रेंज बढ़ता जाता है ना तो पिवट भी अपने आप को बढ़ा लेता है, जस्ट रिफ्रेश करना होता है। जी किसी एक पिवट को रिफ्रेश कीजिए, अपने आप हो जाएगा। तो ये डैशबोर्ड आपको कवर होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको इसमें इसके बाद 500 ऊपर फॉर्मूले हैं, लुकअप फॉर्मूला, हर कैटेगरी के फॉर्मूले जब आपको सिखाएंगे, एडवांस फॉर्मूला, रिपोर्ट ऑटोमेशन विथ फॉर्मूला, डेटा इंपोर्ट विथ पावर क्यूरी, दिख रहा है आपको यहाँ पे, चार्ट्स, डायनेमिक चार्ट्स एंड डैशबोर्ड। तो इसमें क्या है, इस कोर्स में आपको वही 5 से 10 डैशबोर्ड होगा, 4-5 डैशबोर्ड आप करेंगे, 4-5 डैशबोर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है ना। 10 डैशबोर्ड इस कोर्स में है। अगर इसी कोर्स की हमारे नई वाली कोर्स की बात करें तो इसमें क्या क्या, देखिए इसकी 5 मेन चीजें हैं इसका। सबसे पहले इसमें हम कंप्लीट एडवांस एक्सेल कवर करें, मतलब जो आपका पहले वाला कोर्स है ये पूरा का पूरा इस कोर्स में चलाता है। उसके बाद इसमें 20 डैशबोर्ड है, पिवट टेबल से बनने वाले डैशबोर्ड, जो दिखाएं आपको 20 पिवट टेबल से डैशबोर्ड है, 20 आपका है फॉर्मूला से डैशबोर्ड। इसके बाद इसमें मास्टर डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग,
अगर डेटा लेंदी आ रहा है, लार्ज आ रहा है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास एडवांस डेटा एनालिसिस टेक्निक जाएगी, क्या पे हम कब कौन सा कलर यूज करेंगे, कौन सा रिपोर्ट में कौन सा चार्ट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, चार्ट के कलर क्या होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें हर एक टॉपिक बिगनर टू एडवांस होगा, मैंने मेंशन कर रखा है, हर एक टॉपिक बिगनर टू एडवांस होगा। क्या क्या टॉपिक कवर होगा आप यहाँ देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सम टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं है बट क्लास में कवर होगा। ठीक है, जैसे कि मोर देन 500 फॉर्मूला, जिसमें आप इफ होगा, इफ्स होगा, वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच, इंडेक्स, ऑफसेट, सम इफ, लैम्डा, मैक्स इफ, IRR, SYD, फोरकास्ट एंड सारे यूनिक फॉर्मूले कवर होंगे। ठीक है, अब इसमें आएगा AI विथ एक्सेल, AI की इनबिल्ट एक्सेल और चैट GPT से कैसे आप यूज कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं। देन हम इसमें Copilot के बारे में भी समझाएंगे जो AI है। इसके बाद एक्सेल के अंदर पायथन के जरिए हम कैसे अपने विजुलाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं, यहाँ देखिए पायथन का ये है, इसके बारे में भी आपको समझाएं। ठीक है सर, अब यहां तो ठीक है, इसमें जो मेन आता है जो टाइम कंज्यूमिंग है 40 डैशबोर्ड, समझ गए, जिसमें से 20-25 मैं करके दिखाऊंगा, 20-25 आपको करना है, समझे सर? सर तो हाँ, फॉर्मूला बेस भी है और पिवट बेस भी है। ठीक है ना, और हमें भी करना है, आपको भी करना है। डेटा सेट 20 से 25 डेटा, 40-50 डेटा सेट मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, अलग 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 कैटेगरी के। कुछ बोलिए, तो जैसे कि मेरे अभी रिसेंटली अभी ज्वाइनिंग हुई है यूनिवर्सिटी, ऑफिस इन द यूनिवर्सिटी में मेरी सिलेक्शन हुआ है, और उसमें मेरा नया पोजीशन है MSS। ठीक है, तो मैं उसमें से ऑपरेशंस डिपार्टमेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करता हूं, तो मुझे पास क्वेरीज, अभी कोई डेटा मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है जी, तो उसमें से डिपार्टमेंट वाइज वाइज आते रहते हैं, ये करते हैं, ये परेशानी है, चाहे कुछ भी सर ऐसा रेट कुछ हो सकता है, तो उसमें इसमें एक्सेल में कुछ ऐसा भी है, दो डाटा तो हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, बट कुछ फॉर्म का तरीका हो, हम कुछ फॉर्म डेवलप कर सके एक्सेल में, एक फॉर्म के थ्रू उस पे कुछ फिलअप करते जाए और बैकएंड में हमारा कुछ सेव होता जाए। मतलब कि आप डेटा कलेक्शन समाज चाहते हैं कि जिसमें आपको 10-20 लोगों से डेटा लेना है, तो आप इनपुट लेना है, तो आप फॉर्म के जरिए एक के नीचे इनपुट लेना चाहते हैं, राइट? देखिए उसके लिए गूगल शीट यूज कर सकते हैं, गूगल शीट फ्री है, गूगल शीट के अंदर गूगल फॉर्म होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो फॉर्म का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ इंसर्ट में ये फॉर्म आया हुआ है, लेकिन नया आया है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर्म यूज करते तो आपके पास लेटेस्ट 365 का एक्सेल का आपके पास वर्जन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भी इसको भी ज्यादा यूज नहीं किया क्योंकि नया 2 महीना पहले ही इसके अंदर अपडेट हुआ है सर, और कोई चीज को सीखने में टाइम लगता है ना सर, क्योंकि मुझे तो एक्सपर्ट डिटेल में एक्सपर्ट लेवल में सिखाना है ना, तो मुझे जितना आता है उतना मैं कर दूंगा, बाकी दो से मैंने हेल्प लेने की कोशिश करूंगा। मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट के पास 2019 का सॉफ्टवेयर है। हाँ, वीवी के थ्रू ले सकते हैं, देख लेंगे कुछ ना कुछ सजेशन कर लेंगे, गूगल सीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल सीट से डेटा ड्राइव में चला जाएगा, ड्राइव से डेटा एक्सेल पे ले आइएगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अब ये इस जो सेकेंडरी कोर्स मैंने बताया आपको, ये सेकेंडरी कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो आपका 4 महीने के आसपास चलेगा। ठीक है, ये कोर्स आपका 4 महीने के आसपास चलेगा और इसकी फीस आपको देनी पड़ेगी 20,000 रुपीज। सेकेंडरी कोर्स में सर कितने 40 डैशबोर्ड्स आएंगे? जी जी, 40 के आसपास है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हो, ले पा रहे हैं ना सर। सर
डैशबोर्ड को मैं कर सकते हैं जी हाँ, आप अपना अपने ऑफिस का डैशबोर्ड भी लेकर आ सकते हैं कि मुझे सर ये डेटा है, इस पर डैशबोर्ड बना दीजिए। बना दीजिए नहीं, बनाना है, बनाना आपको है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैंने युद्ध आपको अर्जुन की तरह युद्ध आपको लड़ना है, बस श्री कृष्ण की तरह मैं सारथी बन के आपका रहूंगा। जैसे श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया था, वैसे मैं आपके लिए आपका प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा, लेकिन करवाऊंगा आपसे। अब इसका रीजन क्या है? हो सकता है कि आपको ये चीज बुरा लगा हो कि सर मना कर रहे हैं करने से। रीजन ये है कि मैं एक टीचर, मेरी अटेंशन है आपको एलिजिबल करना हर तरह की रिपोर्ट बनाने की, ना कि आपका काम कर देना। मान लीजिए कि अभी एक एक दो तीन चार रिपोर्ट मुझसे बनवा लीजिएगा, लग रहा है कि आपके लाइफ में चार ही रिपोर्ट होगा, उसके बाद रिपोर्ट नहीं होंगे। उसके बाद रिपोर्ट होंगे, आप मुझे फोन करेंगे, मैं किसी और के साथ बिजी रहूंगा, मैं मना कर दूंगा या फिर मैं टाइम लूंगा, तो प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए मेरा अटेंशन है कि आपको एलिजिबल कर देना कि भाई प्रॉब्लम है, देखो इसका ऐसे सोल्यूशन है, करो। आप खुद जब करेंगे तो आप उसको 100% ट्रिगर कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम उस तरह सिमिलर प्रोडक्ट प्रॉब्लम आएगा, आप मुझे कॉल किए बगैर ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, समझे? लेकिन आपने मुझे भेज दिया, मैंने बना के दे दिया, तो आपको थोड़ी पता चला कि मैंने क्या क्या टेक्निक्स यूज की हुई है, कौन कौन तरीके यूज किया गया है, कौन सा प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे फेस किया, ये चीज तो नहीं समझ पाइएगा ना। सर चलिए ठीक है सर,